नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ है। होने के बाद मैंने तब तक अपना फेस आईने में नहीं देखा था। मैंने साथ में मैं अपना पहला वाला फेस याद कर रही थी। 6 महीने के बाद फिर रिया शर्मा हारा, तो वो मेरा बहुत बड़ा सहारा बना। मैंने हिम्मत अपने आप से भी बहुत किया है कि नहीं, मैं जीऊँगी और मैं उन लड़कियों के लिए भी कुछ काम करूँगी जिनके साथ में ये हुआ है। और मैं फेस होगा तो दुनिया चलेगी, मेरा मतलब ये नहीं है। फेस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ के लिए, दिल अच्छा होना। तो मैंने हिम्मत अपने आप से भी बहुत कोशिश की हूँ। मैंने हिम्मत करके जीने के बाद फिर मैंने कैंपेन शुरू किया ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा। यूज़ करते हैं 2 मिनट में ऐसे एसिड भी, कोई 2 मिनट वो फिट हो, उसके फेस पे कुछ ना हो, वो हर जगह से अच्छी हो। लेकिन नहीं, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर होता है। आज भी हमारा मुश्किल है बाहर चलने का, सवाल उनसे करिए ना जिन्हें। तो आज भी समाज हमको अलग तरीके से देखती है, ये बदलाव कब आएगा? एसिड अभी भी बंद। फिर मैंने हिम्मत करके जीने के बाद फिर मैंने कैंपेन शुरू किया ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा, तो वो बहुत ज़्यादा आगे गया। उसके थ्रू मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक गई चलने के लिए। न्यूयॉर्क फैशन वीक में चलना, इतने बड़े स्टेट में एक मॉडलिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर आज हमारा एक सेंटर है मेक लव नॉट्स का, जहाँ हम सर्वाइवर को हेल्प करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़, अगर हम जैसे हैं तो हमारे साथ ऐसा ट्रीट मत करिए, अच्छे से रहिए। हमने गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत हुआ है। मेरा नाम रेशमा बानो कुरेशी है। मेरे साथ अटैक 19 मई 2014 में हुआ था, और मेरे साथ अटैक मेरे जीजा जी ने किया था। बट इसका रीज़न ये था कि मेरी बहन की शादी हुई थी उनके साथ में, तो मेरी बहन को 2 साल बहुत ठीक से थी, फिर उसके बाद उनको लड़का हुआ। जब ही बहुत ठीक थी लाइफ, लड़की भी तब से उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंट आने लगा। उनको बहुत मारने लगे, पिटने लगे उनके घर वाले, उसको बहुत सताते थे, मारते थे। बट फिर हमने मेरी बहन को बहुत बहुत तकलीफ़ थी उधर, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी बहन को उधर नहीं भेजेंगे, हम अपने घर पे रखे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। हमने लड़के को स्कूल में डाल दिया, तो वो लड़के को स्कूल में से उठा लिए। मेरी बहन अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाती थी। फिर हमने केस कर दिया उनके ऊपर। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करने वाली थी कि बच्चा आपको मिलेगा माँ को, उस दिन मैं और मेरी बहन जा रहे थे, वो रास्ते में स्टेशन के पास में एसिड लेके बैठे थे, वो उनके 2 कज़िन। जब हम जैसे गए, उन्होंने मेरा बाल पकड़ा और मुझे ज़मीन में ढकेल के उन्होंने मेरे फेस पे एसिड डाल दिया। उस समय फिर काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। बट हम एक हॉस्पिटल गए, वो हमको देखने से बिल्कुल मना कर दिया। पहले बोला FIR लिखाइए। 7 घंटा मेरे फेस पे एसिड डला हुआ था। 60 घंटे के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर हम ट्रीटमेंट के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, मेरी दोनों आईज बंद हो गई थी, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मेरा अटैक हुआ था इलाहाबाद में। फिर हम बॉम्बे आ गए, मेरे पापा मम्मी हमको बॉम्बे लेके आ गए। बॉम्बे लाने के बाद फिर मेरी सर्जरी भी, सर्जरी होने के बाद मैंने तब तक अपना फेस आईने में नहीं देखा था। मैंने 7 महीने के बाद अपना फेस आईने में देखा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था कि मेरे साथ में क्या हो गया। मैं अपना पहला वाला फेस याद कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सुसाइड करने की कोशिश की कि मैं नहीं जीऊँगी, क्योंकि आज के माहौल में तो फेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। वही ख़राब हो गया तो जी के क्या फ़ायदा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि फेस ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी दिल से होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारा फेस अच्छा होगा तो हम आगे चल सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर रिया शर्मा, जो मेक लव नॉट्स कार की फाउंडर है, वो मुझे मिली। मिलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी कि आप जियो, और आप क्यों नहीं जियोगी, बहुत लोग हैं जिनके साथ में एसिड अटैक होता है। एक तो मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत था, मेरे पापा मम्मी भाई, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट बने, इन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बने। और रिया शर्मा, उन्होंने भी मेरी बहुत हिम्मत बनी। मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट है किसी का सहारा, तो वो मेरा बहुत बड़ा सहारा बनी है। अंदर से जीना इसलिए शुरू किया क्योंकि एक तो मैं अपनी फैमिली के जैसे शुरू की कि मैं जीऊँगी, उनको जी के दिखाऊँगी जिन्होंने मेरे साथ में किया है। कल को मैं अगर कुछ कर लूँगी अपने आप को, तो वो आज़ाद घूमेगा। नहीं, मैं अब जीऊँगी, उसको सज़ा दिलाऊँगी जो उसने मेरे साथ में ऐसा किया है। मैंने हिम्मत अपने आप से भी बहुत किया है कि नहीं, मैं जीऊँगी और मैं उन लड़कियों के लिए भी
कुछ काम करूंगी जिनके साथ में ये हुआ है, और मैं बढ़ के दिखाऊंगी आगे कि लोग कहते हैं कि फेस होगा तो दुनिया चलेगी। मेरा मतलब ये नहीं है, फेस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ के लिए। दिल अच्छा होना चाहिए इंसान का, मन अच्छा होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने हिम्मत अपने आप से भी बहुत कोशिश की हूँ। पहले ख्याल तो आते थे अटैक के बाद कि हाँ सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड करने की कोशिश किया था कि मतलब अब फेस ही था कि फेस ही ख़राब हो गया तो अब दुनिया क्या चलेगी। आजकल तो दुनिया फेस ही देखती है सब कुछ, तो बहुत कुछ मन में ख्याल आता था, बहुत कुछ होता था। मैं 3 महीना किसी से बातचीत नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने घर में भी मैं चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन मैंने सिर्फ घर वालों को देख के, पापा की शक्ल देख के मैं जीऊँ कि हाँ, मैं अपने अब्बू को देख के जीऊँगी कि हाँ कल को अगर मैंने कुछ कर लिया तो शायद मेरे पापा भी अपने आप को खो देंगे इसके। फिर मैंने हिम्मत करके जीने के बाद फिर मैंने एक कैंपेन शुरू किया ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा, जिसमें मैंने बताया था कि एसिड बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे हम मेकअप यूज़ करते हैं 2 मिनट में, ऐसे एसिड भी कोई 2 मिनट में फेंक के चला जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा आगे गया। उसके थ्रू मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक गई चलने के लिए। न्यूयॉर्क फैशन वीक में चलना, इतने बड़े स्टेट में एक मॉडलिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक मॉडल में सब कुछ चुना जाता है। वो फिट हो, उसके फेस पे कुछ ना हो, वो हर जगह से अच्छी हो। लेकिन नहीं, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर होकर न्यूयॉर्क फैशन वीक चलूँगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने किया वो चीज़। उसके बाद फिर आज हमारा एक सेंटर है मी क्लब नॉर्थ कार, जहाँ हम सर्वाइवर को हेल्प करते हैं। आज भी एसिड अटैक होता है, आज भी हमारे साथ में गलत ट्रीट किया जाता है, आज भी हमारा मुश्किल है बाहर चलना। क्यों लोग हमसे सवाल करते हैं? जाके सवाल उनसे करिए ना जिनने हमारे साथ में अटैक किया है। हमने अपने ऊपर अटैक नहीं किया है, हमारे साथ अटैक किया गया है। तो आज भी समाज हमको अलग तरीके से देखती है, ये बदलाव कब आएगा? एसिड अभी भी बंद नहीं हुआ है, आज भी एसिड अटैक हो रहा है लड़कियों के साथ में। सोचते हैं हमको कम लड़की मिलेगी, लेकिन हमको उतनी लड़कियां और मिलती जा रही हैं एसिड अटैक सर्वाइवर। क्यों? आज भी वो चीज़ हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़, अगर हम जैसे हैं तो हमारे साथ ऐसा ट्रीट मत करिए, अच्छे से रहिए। हमने गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत हुआ है। और यही है कि मतलब एसिड को बैन करवाया जाए, कहीं भी आसानी से चीज़ मिल रही है। हम कहीं दवा लेने के लिए जाएं तो हमसे डॉक्टर पूरा पेपर मांगता है, एसिड के लिए 10 रुपये में दे देगा। अगर पैसा भी ना हो तो सामने वाले को फ्री में दे देगा, वो नहीं पता कि वो जाके किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। तो यही मेरी सबसे बोलना है कि प्लीज़, अगर कोई भी लड़की हो, मेरी बात उन तक पहुँच रही, अगर उनके साथ कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज़ हमारा मेक लव नॉट्स कार है, आप कभी भी आ सकते हो। जिसके साथ में ये चीज़ हुआ है, हम उसकी हेल्प करेंगे, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक कि हमसे हो सकते हैं।